185,000 में 400 सीसी का इंजन। जी हाँ, बजाज पल्सर NS400Z लॉन्च हो चुकी है। डोमिनार 400 वाला ही इसमें सेम टू सेम इंजन देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाएंगे, 4 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाएंगे। ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी और ये जो प्राइस है 1,85,000, ये लिमिटेड है। तो खास क्या है इसमें और इस प्राइस रेंज में, आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आपको जो 4 कलर ऑप्शन है ना, वो वीडियो में तो देखने को मिल जाएंगे, बट ये थोड़ा सा पुरानी पल्सर से बल्की है और डिज़ाइन जो है ना वो N150 आती है उसका भी सेम डिज़ाइन है। फ्रंट में आपको DRL देखने को मिल जाएगा जिसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप चाहो तो अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये तो अब नॉर्मल आ रहा है। USD फॉक देखने को मिल जाएंगे, ड्यूल चैनल ABS है, 377 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा और USD फॉक जो है ना वो काफ़ी मोटे हैं, तो आपको ना लगेगा नहीं कि नॉर्मल पल्सर है। तो हाँ, पुरानी पल्सर से बड़ी है और इसमें जो लोगो और थीम भी जो दिया गया ना, इनका द बिगेस्ट पल्सर एवर। यहाँ पे 377 का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 40 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा 37 Nm के टॉर्क के साथ। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो इसके टायर है ना, जितने भी पल्सर उनसे मोटे हैं। 110 का फ्रंट सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा और बैक सेक्शन का जो टायर है वो 140 का देखने को पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्रॉडनेस है वो काफ़ी है। तो बट मुझे एक चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, जो इसकी लुक है ना वो पुराने पल्सर वाली कॉपी टू पेस्ट कर दी गई है। अगर 400 cc के इंजन हम दे रहे हैं तो डोमिनार के बदले एक नया कॉम्पिटिटर लाना चाहिए था कि उनकी सेल्स और बढ़ जाती, तभी इसकी प्राइस जो है 1,85,000 रखी गई है और जिसका वेट है वो ठीक ठाक है या काफ़ी ज़्यादा भी बोल सकते हो, 174 kg और 12 लीटर का इसमें जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 4 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाता है, रेज, रोड, ऑफ रोड एंड हमारा लास्ट आता है स्पोर्ट मोड। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी क्लेम कर रही है 154 km/h की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और इतनी बाइक जो है थोड़ी सी बल्की लग रही है। बट जो टैंक है ना वो सेम हमारी पल्सर NS200 हो गया, NS160 हो गया, जो कि पुराने टाइम से चलते आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार 2016-17-18 से आ रहा है, तो अभी तो इसको चेंज कर देना चाहिए था। काफ़ी दमदार इंजन इसमें आपको देखने को मिलने वाला और सेम इंजन है यार, डोमिनार 400 का सेम टू सेम इंजन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंजन डोमिनार का लगाया गया है, बॉडी किट जो है अपनी NS200 का दिया गया है और पीछे का जो फेयरिंग है वो अपने N150 का है और साथ ही में जो टेल लाइट है वो भी NS200 N150 को मिक्स करके बनाया गया। और ये ग्रैब हैंडल मुझे पुराना वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, बट ये वाला सपोर्ट के लिए मे भी लगाया गया। और अगर हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है आपको 35 km/l का ये एवरेज इजीली निकाल कर दे देगा। और यहाँ पे राइट हैंडल बार में देखोगे तो हज़ार्ड फ्लैशर भी आपको देखने को मिलेगा, हज़ार्ड लाइट तो अलग है बट यहाँ पे फ्लैशर भी ऑटोमेटिक कंपनी ने दे दिया। कंपनी समझ गई पल्सर लेने वाले इसमें फ्लैशर लगा ही देते हैं, तो भाई इससे अच्छा हम पहले ही दे देते। इसके ऊपर और वीडियो आने वाली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक याद करना, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतने लोगों को रिकमेंड होगा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।